मैं हूं रोमान रईस, मुल्तान का सुल्तान, और आप देख रहे हैं HBL PSL स्टार लाइव। नॉर्मली क्रिकेट में मैं दो तरीके बताता हूँ, घर में सब मुझे मानी कहते हैं और क्रिकेट फील्ड में सब रोमान से जुड़ा हुआ नाम है रोमी, तो सब रोमी कहते हैं। रिस्पेक्ट, क्योंकि मैं रिस्पेक्ट लोगों की बहुत करता हूँ। लव, मैं लोगों को प्यार भी बहुत करता हूँ। और तीसरा सेल्फ बिलीफ मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है। ऑफ द फील्ड मैं बहुत कूल एंड काम, मुझे बहुत कम गुस्सा आता है। मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से इन्जॉय करता हूँ, और जब मैं ऑफ द फील्ड होता हूँ तो मैं रिलैक्स रहता हूँ, वॉचिंग मूवीज़, सिटिंग विद माई टीम मेट्स, विद माई फ्रेंड्स, एंड आई लव टू स्पेंड विद माई फैमिली, टाइम विद माई फैमिली। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी फैमिली का टाइम स्पेंड करना। हम लोग न्यूजीलैंड टूर पे थे, और न्यूजीलैंड टूर पे एक माउंटेन था, वहाँ पे चैलेंज हुआ था हमारी पूरी पाकिस्तान टीम का, हमारे ट्रेनर ने दिया था। तो वो जंगल में से हम लोग गए थे, और मतलब बहुत ऊंची वो पहाड़ी थी, तो वहाँ हम लोग गए थे। तो बहुत वो एक ऊंचे लेवल की, मतलब मैं मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं हूँ कितने फीट पर था, लेकिन हम लोगों की बस हो गई थी, और हम लोग कोई तकरीबन 50 मिनट्स टू आवर हम लोग वो चढ़ते रहे। और वो उसके बाद जो हमारी हालत हुई, तो बेसिकली बाद में पता चला कि वो हमारा ट्रेनिंग सेशन था। मैं अगर क्रिकेटर नहीं होता तो मैं अपने वालिद साहब की जगह पे जाता, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि मेरे वालिद साहब जो थे वो बैंकर थे, और वो चाहते थे कि मैं अच्छा पढ़ूं और पढ़ने के बाद उनकी सीट को उनकी सीट पे जाऊं। मेरी अम्मी के हाथ की बिरयानी, बिकॉज आई लव दैट, क्योंकि मेरी अम्मी की हाथ की जो बिरयानी है वो बहुत मशहूर है, और मेरे तमाम इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम मेट्स ने भी वो खाई थी, और बहुत अच्छी बनाती हैं, तो वो मेरी चीट नहीं है। मेरी सबके साथ ही बहुत अच्छी दोस्ती है, क्योंकि मैं थोड़ा सा उस टाइप का बंदा हूँ कि मैं जिसके साथ जब बैठता हूँ तो मैं उसके साथ वैसे एडजस्ट रहता हूँ। लेकिन अनवर अली मेरे दोस्त हैं, बिकॉज अनवर अली भाई के साथ मेरा जो है वो जो मेरा पहला क्लब है वो भी उन्हीं का क्लब है, और हम लोग सारी क्रिकेट एक साथ खेले पिछले कोई 12-13 सालों से, तो हर चीज़ दिल की उनसे शेयर कर लेता हूँ। हाँ, बेसिकली मेरा जो एक सुपर हीरो जो मुझे बहुत पसंद है वो है थॉर, बिकॉज जो उसकी हैमर वाली पावर है और जिस तरीके से वो डोमिनेट करता है, तो वो बड़ा एक्साइटिंग लगता है मुझे जब मैं उसकी थॉर की मूवीज़ देखता हूँ। या इवन एवेंजर्स में भी आप देखेंगे सबसे मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो जो करार दिया गया है वो आई थिंक थॉर को ही दिया गया। यार जेन्युइनली अगर मुझे ये एक दिन वाला गायब होने का मौका मिल जाए और लोग मुझे नाक देख सके, तो मैं सबसे पहले इस बबल से बाहर जाऊं और मैं अपनी फैमिली के पास जाऊं, अपने अम्मा को गले लगाऊं, अपने बीवी बच्चों को गले लगाऊं, और खूब सारा खेल के विद इन एक दिन के अंदर जितना मेरे पास टाइम होगा इनविजिबल होने का, और मैं वापस आ जाऊं ताकि किसी को पता ही लगे कि मैं घर से होकर आ गया। फुटबॉल, आई लव फुटबॉल, आई लव द वे वॉचिंग, आई लव टू प्ले फुटबॉल। चैम्पियंस ट्रॉफी 2017 व्हेन वी वॉन अगेंस्ट इंडिया, और मेरा डेब्यू मैच, क्योंकि सेमीफाइनल डेब्यू अगेंस्ट इंग्लैंड जो कि बहुत डोमिनेटिंग टीम थी पूरे टूर्नामेंट में, अनबीटन थी, और मुझे वहाँ अपॉर्चुनिटी मिली, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझसे बड़ा अच्छा काम लिया जो कि मैंने दो आउट किए ऊपर से, और हम जीते चैम्पियंस ट्रॉफी, वन ऑफ द बेस्ट मेमोरी इन माई क्रिकेट लाइफ। बेसिकली मैं पुराने गानों का शौकीन हूँ, और मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं नुसरत फ़तेह साहब को बहुत सुनता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कहीं कहीं जगहों पर, और मुझे मोटिवेशनल सॉन्ग सुनने का भी बहुत शौक है, क्योंकि जब मैं अपनी इंजरी पीरियड में था तो उस चीज़ ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। यार गुनगुनाने में मैं इतना अच्छा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा अवॉइड ही करूँगा इस चीज़ को। हाँ सुनता सब हूँ, याद सब है, लेकिन इतनी आवाज़ अच्छी नहीं है मेरी, बहुत भारी आवाज़ है। प्लीज़ पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करते रहें, और प्लीज़ पॉजिटिव वाइब्स दिया करें। टीवी में बैठ के देखने वालों के लिए भी ये मैसेज है, क्राउड में बैठने वाले को भी ये मैसेज है, अच्छा गुमान करें अपने मुल्क की क्रिकेट के लिए,
तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारी टीम की और परफॉर्मेंस और हमारे इस मुल्क की क्रिकेट को अल्लाह ताला और आगे लेके जाए जिस तरह के लास्ट पास्ट वन ईयर में गई है. और कीप सपोर्टिंग पाकिस्तान क्रिकेट टीम, कीप सपोर्टिंग मुल्तान सुल्तान एज़ वेल. और हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम अच्छी से अच्छी क्रिकेट डिस्प्ले करें ताकि आप लोगों को एंटरटेनिंग भी हो और आपको मज़ा भी आए.